फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे। मैं हूँ आपका दोस्त ग्रेविल जस्सानी और आप देख रहे हैं ग्रेविल शार्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बिग ब्रांड की क्रिस्टल बॉल पॉइंट पेन जो कि आते हैं उसकी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा बॉक्स हमारी क्रिस्टल बॉल पॉइंट पेंस का। तो देख सकते हैं ये इसका बिल है। इसको साइड में रखते हैं और ये इसके अंदर और कुछ नहीं है, इसको भी साइड करते हैं। और ये रहा हमारा मेन चीज़ जो कि है बिग की क्रिस्टल ओरिजिनल पेंस। पैकिंग तो अच्छी की हुई है, लेकिन बॉक्स देख सकते हैं पूरा टूटा हुआ है। ये निकल गया, ये पीछे से निकल गया, सारी पेंस भी निकल रही है। आप देख सकते हैं इसे किसी और बॉक्स में रखना होगा। ये देख सकते हैं सारी पेंस निकल रही है क्योंकि बॉक्स ही टूटा हुआ है। पैकिंग अच्छी करके देते हैं लेकिन बॉक्स तो टूटा हुआ है। पूरी पेंस बाहर निकल गई क्योंकि बॉक्स तो टूटा हुआ है। तो अभी मैं इसे रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 50 पेंस है। आप देख सकते हैं इसमें 50 यूनिट्स है। अगर फ्रेंड्स आपको भी है बॉल पेंस बाय करनी है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और ये मैंने अमेजोन से ली है जो कि मुझे पड़ी है 400 रुपीज़ में। तो अभी इस बॉल पॉइंट पेन की मदद से हम कैसे ड्राइंग कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये चलेगी नहीं क्योंकि बहुत दिनों पड़ी रही होगी, तो इसलिए हम थोड़ा सा पॉइंट को घिसेंगे इसलिए यह चलने लगेगी। तो देख सकते हैं चलने लगी अब। तो फ्रेंड्स, इसकी मदद से तो हम शेडिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी लाइन्स हमें बहुत ही पास पास लगानी है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। जहाँ हमें डार्क एरिया चाहिए वहाँ हम ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करेंगे, और जहाँ हमें लाइट एरिया चाहिए वहाँ हम बिल्कुल ही लो प्रेशर का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम पेन की मदद से शेड कर सकते हैं। बहुत ही लाइट चलती है ये बॉल पॉइंट पेन। काफ़ी आर्टिस्ट इसे यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस पेन की मदद से शेडिंग होती है। तो अभी मैं आपको इस बॉक्स के अंदर शेड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं लाइट टू डार्क शेडिंग करके आपको दिखाऊंगा इसी पेन की मदद से। आप देख सकते हैं जहां हमें मुझे डार्क करना है वहां मैं ज़्यादा प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और लाइट रखना है वहां मैं बिल्कुल ही लो प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ।
यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो फ्रेंड्स, इसी मेथड का यूज़ करके मैं एक आई की ड्राइंग बनाने वाला हूँ, इसी मेथड की मदद से, लाइट टू डार्क। तो इसे भी आप देखिए, इस आई को मैंने टाइम लैप्स वीडियो ही रखा है, वरना इसे बनाने में मुझे 2 घंटे जितना वक्त लगा था, आप देख सकते हैं। और ये पेपर है A5 साइज़ का, तो देख सकते हैं जहाँ डार्क एरिया से वहाँ मैं डार्क कर रहा हूँ प्रेशर का यूज़ करके, और लाइट एरियाज पे मैं बहुत ही लो प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे आर्ट रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। Thank you.